आज के इस वीडियो में हम आपको टैली सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी देने वाले हैं। उसमें हम बात करेंगे टैली क्या होता है, टैली कोर्स की फीस क्या होती है, क्या आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स भी टैली सीख सकते हैं, टैली कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है, टैली कोर्स करने के बाद हमें कितनी सैलरी मिलती है, टैली कोर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैली क्या है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज छोटे से लेकर बड़े व्यवसाय में प्रतिदिन किया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर में बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री की जाती है, जैसे परचेज, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट। परचेज में जितना भी माल खरीदा है वो एंट्रीज की जाती है। सेल्स के अंदर जितना भी माल बेचा है वो एंट्रीज की जाती है। पेमेंट में जितना भी भुगतान किया है वो एंट्रीज की जाती है। और रिसिप्ट के अंदर जितना भी पैसा प्राप्त हुआ है वो एंट्रीज की जाती है। इन्हीं ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करने पे हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना स्टॉक है, कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, कितने हमारे डेटर्स हैं, इसका मतलब कि हम कितने लोगों से पैसा मांगते हैं, और कितने हमारे क्रेडिटर्स हैं, इसका मतलब कि कितने लोग हमसे पैसा मांगते हैं। तो इन्हीं ट्रांजेक्शन्स की जब हम एंट्री करते हैं तो टैली सॉफ्टवेयर के यूज़ से हमें ये बहुत ही आसानी से पता चल जाता है कि आज की डेट में हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। उसके बाद टैली सॉफ्टवेयर के हम वर्जन की बात करें तो टैली सॉफ्टवेयर के फिलहाल दो वर्जन यूज़ में लिए जाते हैं। एक है टैली ERP 9 और दूसरा है टैली प्राइम। टैली ERP 9 पुराना वर्जन है और अभी लेटेस्ट जो वर्जन है वो हमारा है टैली प्राइम। तो बहुत सी जगह टैली ERP 9 पे भी अभी वर्किंग की जाती है और बहुत सी जगह टैली ERP 9 को अपग्रेड करके टैली प्राइम पे अब वर्क करना चालू कर दिया है। तो दोनों सॉफ्टवेयर में इंटरफेस का थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हमारा है टैली प्राइम। उसी के बाद हम बात करते हैं टैली कोर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस कोर्स को करने के लिए आपको बस थोड़ा सा कॉमर्स का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप आर्ट्स या साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप टैली कोर्स आसानी से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज की ज़रूरत होती है। उसके वीडियोज भी चैनल पे अपलोड है, तो आप अकाउंटिंग टर्म नाम से चैनल पे बनी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज देख सकते हैं। इसी के साथ हमें बेसिक जनरल एंट्रीज का ज्ञान होना भी जरूरी है, जिसके वीडियोज भी आपको बहुत ही जल्दी चैनल पे मिलने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम बात करने वाले हैं टैली कोर्स की फीस क्या रहती है। तो टैली कोर्स की फीस 3,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक रहती है। ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन की अलग अलग फीस हो सकती है या अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अलग अलग फीस हो सकती है। एवरेज फीस अगर हम मानते हैं तो 4,000 से 5,000 रुपये कोई भी इंस्टीट्यूशन टैली सिखाने के लिए चार्ज करता है, और अलग अलग इंस्टीट्यूशन की ये फीस अलग अलग हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि टैली कोर्स कहाँ से सीखें। तो टैली कोर्स आप अपने आसपास कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर जाके सीख सकते हैं, और टैली कोर्स को आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। इसके लिए सभी प्लेटफॉर्म की फ़ीस अलग अलग होती है। अगर आप फ्री में और एकदम अच्छी तरह से टैली कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें और वीडियो को लाइक करें। हम बहुत ही जल्दी इसी चैनल पे फ्री टैली कोर्स लेके आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टैली कोर्स में हम टैली ERP 9 और टैली प्राइम दोनों सॉफ्टवेयर पर कोर्स लाने वाले हैं। तो आप या आपके जो भी फ्रेंड्स टैली कोर्स सीखना चाहते हैं उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। उसी के बाद हम बात करते हैं टैली कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है। तो टैली कोर्स के अंदर हमें सीखने को मिलता है अकाउंटिंग, जनरल एंट्रीज, कंपनी, लेजर, स्टॉक क्रिएशन, वाउचर एंट्रीज, गोडाउन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंट्स रिसीवेबल और पेबल, उसी के साथ सिक्योरिटी कंट्रोल्स, परचेज और सेल्स ऑर्डर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, बैंकिंग, बैलेंस शीट, GST, TDS, पेरोल, इसी के साथ बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो टैली कोर्स के अंदर आपको सिखाए जाते हैं। इसमें से बहुत से वीडियोज हमने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप चैनल को ज़रूर विजिट करें। उसके बाद हम बात करते हैं टैली कोर्स करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। तो टैली कोर्स करने के बाद 2,00,000 रुपये से लेकर 6,00,000 रुपये तक पर एनम, मतलब एक साल में 2,00,000 से लेकर 6,00,000 रुपये तक आपकी सैलरी हो सकती है। सैलरी आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है। आप कितने अच्छे से काम करते हैं और आपको अकाउंटिंग फील्ड का एक्सपीरियंस कितना है, इसी बात पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है। जितना अच्छा आप वर्क करेंगे या जितना आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी सैलरी होगी। तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कम पैसा मिले, पर थोड़े टाइम बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसके बाद आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं टैली कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं। जब आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अकाउंट्स का वर्क आप अच्छे से कर सकते हैं, मतलब बिजनेस अकाउंट्स मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, या आप अपने आसपास किसी भी शॉप, फैक्ट्री या किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप अकाउंट से संबंधित जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा टैली कोर्स करने के बाद आप किसी भी CA के यहाँ या किसी भी CA फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, और अकाउंट्स का वर्क अपने आसपास सभी फैक्ट्री, सभी शॉप पे होता है, तो इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप टैली कोर्स बिल्कुल जीरो से लेके सीखना चाहते हैं तो हम बहुत ही जल्दी चैनल पे कोर्स लेके आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।